मेरे दोस्त पुष्पा, में आपने तो ये डायलॉग तो सुना होगा कि ब्रांड कपड़ों पे नहीं आदमी के कैरेक्टर पे होता है। ठीक यही चीज कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिला, जब एक किसान ने यह कह के साबित किया। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही मजेदार वाक्य है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अच्छा खासा कपड़े पहना हुआ है वो अमीर है, और जो नॉर्मल रह रहा है, जो नॉर्मल कपड़े पहना है, उसे लोग गरीब समझ लेते हैं, उसे लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो नॉर्मल दिखता है वही खतरनाक होता है, और जो बाहर से चमक धमक दिखाता है वो अंदर से खोखला होता है। क्योंकि कुछ लोगों का आदत होता है वो सिंपल जीने का, और कुछ लोगों का आदत होता है दिखावा करने का। अभी बेंगलुरु के कर्नाटक में एक किसान जब महिंद्रा के शोरूम में घूमने गया, तो जो महिंद्रा के शोरूम के जो स्टाफ थे उन्होंने किसान को हल्के में ले लिया। उन्होंने किसान से मजाक किया कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए भी नहीं होगा, तुम लोग कार देखने चले आए हो, यहां 10 रुपए की कोई कार नहीं मिलती। जो किसान था उसे यह बात अपमानित लग गया, उसने कर लिया बहस, उसने बोला कि अगर मैं आधे घंटे के अंदर 10 लाख रुपए कैश ला के रख दूं तो क्या तुम्हारा ये शोरूम मुझे कार दे देगा। तो जो स्टाफ लोग थे वो लोग सोचे यार ये लल्लू सा किसान ये क्या देगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको आधे घंटे से पहले हम कार दे देंगे अगर तुम 10 लाख रुपए ला देते हो कैश। तब आप विश्वास नहीं मानोगे, वो किसान घर जाके घर से 10 लाख रुपए कैश ला के पटक दिया शोरूम पे, और शोरूम वाले देखते रह गए। लेकिन जब कार देने की बारी आई तो शोरूम वालों का छुट्टी था, संडे की छुट्टी होने की वजह से शोरूम वालों ने कहा कि आज हम कार डिलीवर नहीं कर सकते। यह सुन के जो किसान था वो भड़क गया और पुलिस को बुला लाया और शोरूम वालों के ऊपर केस कर दिया। इस किसान ने यह सिखाया है कि ब्रांड कपड़ों में नहीं कैरेक्टर में होता है। इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लो। कोई क्या है वो बाहर से दिखाना नहीं चाहता, और कुछ लोग बाहरी दिखावा देख के उसको बहुत बढ़ा चढ़ा लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्त कभी किसी को हल्के मत लो, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह जान के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।